सामाजिक रक्षा संस्थान, उसको इंग्लिश में NISD बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, उसमें मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गवर्निंग काउंसिल का पद मिला हुआ है। उस हिसाब से मैं मेरे NISD की तरफ से सभी भारतवासियों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो दिवाली हम मनाते हैं, शायद कुछ लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, मुझे नहीं पता, दिवाली एक ऐसा हिंदू धर्म का पवित्र त्योहार माना जाता है, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का। ये दिवाली क्यों मनाया जाता है कि जय श्री राम जी, श्री राम जी जब वनवास चले गए थे 14 साल के लिए अयोध्या छोड़कर, तो उस वनवास से 14 साल खत्म होने के बाद में जब आए तो उस खुशी के लिए दिवाली मनाया गया। तो इसी तरह से मेरे सभी भारत देश के वासियों को मैं कहना चाहूँगा, आप सभी को दिवाली की ढेर ढेर सारे शुभकामनाएं। आपका दिवाली बहुत अच्छे से शांततापूर्वक हेल्थ वेल्थ के साथ में अच्छे से आप मनाएं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दिवाली में पटाखे ना फोड़े। आज पॉल्यूशन का मामला है, पॉल्यूशन की वजह से लोगों को अस्थमा की बीमारी और कई ढेर सारे बीमारियां है। इवन दो प्राणियों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इवन दो 4 दिन के लिए मुंबई का म्युनिसिपल कमिश्नर ने, इवन दो मेरे ख्याल से कोर्ट का भी ऑर्डर है कि 4 दिन के लिए, एटलीस्ट 4 दिन के लिए तो कंस्ट्रक्शन का काम रोकना चाहिए। और आजकल के बच्चे लोग तो बहुत होशियार है, बच्चों से मेरी अपील है, क्योंकि आप लोग समझदार हो इसलिए आप लोग खुद चाहते हो कि फटाखा ना फूटे, इससे पॉल्यूशन ना बढ़े। और युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, आप फटाखा ना फोड़े। और दिवाली बिना फटाखे का भी बहुत अच्छे से मनाया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।